गाइस हम लोग कुतुब मीनार आ गए हैं, लेकिन अभी टिकट के लिए हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं। और ये देखिए काफ़ी लंबा लाइन है, तो यहाँ पर खड़े हैं। टिकट मिल जाता है तो फिर चलते हैं, आप लोग दिखाएंगे नदी दिखाएंगे ना, अभी लाइन में लगे हैं। तो गाइस हम लोग टिकट लेके अंदर एंट्री कर लिए हैं, अब चल रहे हैं कुतुब मीनार देखने कैसा मीनार है। अब सुने हैं कि बहुत लंबा मीनार है। गाइस ये मीनार आपको पास से दिखाएंगे फिर। और ये देखें मिस्टर कुमार आगे आगे चल रहे हैं, और इधर ये कुतुब मीनार है। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, और स्कूल के बच्चे भी हैं इधर। ये देखिए घूमने के लिए आए हैं कुतुब मीनार। तो गाइस हम लोग चल रहे हैं। ए मिस्टर कुमार ये खंडहर है, ये खंडहर टाइप का लग रहा है, पकड़िए। तो गाइस ये देखिए अंदर का भी है, कितना इसका फीट है जी? ये जहाज भी प्लेन भी जा रहा है गाइस देखिए, और इधर बहुत ज्यादा प्लेन जा रहा है, लग रहा है ऐसा कि इधर एयरपोर्ट में पास में ही है। 238 फीट है ये। हाँ ये कौन बनवाया था? इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के क्या थे, फादर पिताजी थे यार। गजब नजारा इधर से। क्या है बताइए? लोहे का पिलर है। लोहे का पिलर है क्या है? कभी जंग नहीं लगता। तो जैसे इस ये पिलर क्यों है, मतलब कुछ होगा इसका मतलब? तो ये गाइस देखिए, ये शायद किसी का मकबरा है, अंदर जाके देखना पड़ेगा कि किसका है, मुझे आइडिया नहीं है, मैं एक बार उसको देखूंगा फिर बता पाऊंगा। तो आइए अंदर देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए किसी चीज का दरगाह है, और इधर इस तरीके से लुक है, अच्छा लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए मिस्टर कुमार को प्यास लग गया था, सब पानी पी रहे हैं। अब चलते हैं उधर साइड में, इधर तो घूम लिए, उधर साइड में चलते हैं। Thank you.
तो गाइस देखिए हम लोग एकदम ऊपर आ गए हैं, एकदम टॉप पे, और इधर मिस्टर कुमार दूसरे का फोटो शूट कर रहे हैं। और इतना मतलब ये पहाड़ी जैसा बना हुआ है और काफ़ी ऊपर में हम लोग आ गए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा है, आपको बाइक कर। तो देखिए गाइस ये इस तरीके से है कुछ, ये देखिए एकदम पहाड़ है। और ये देखिए इतना सारा पत्थर पत्थर है, अगर आप इसमें संभाल के नहीं चलेंगे ना तो गिर जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मिस्टर कुमार चले गए हैं। देखिए गाइस फोटो शूट करवा रहे हैं मिस्टर कुमार, और हम लोग एकदम टॉप पे आ गए हैं। ये देखिए, तो गाइस देखिए ये यहाँ पे बैठी हुई है, पागल है एकदम से, यहाँ पे बैठी करी मेरा यहाँ पे वीडियो शूट कीजिए। तो देखिए ये कहाँ बैठी है, देखिए ये पहाड़ भी देख लीजिए, पत्थर वगैरह देख लीजिए किस तरह से है। अब इनको देखिए, या अब ये साइड से कुतुब मीनार, ये देखिए किस तरह से यहाँ पे पत्थर टिका उका है, ऊपर वाला पत्थर वो देखिए। ठीक है गाइस, तो इसका फोटो शूट कर देता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये बंद है, सीढ़ी टाइप का है इधर, और इस तरीके से कुछ लोकेशन है। तो चलिए और चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे पूरा पत्थर का बना हुआ है, और काफ़ी लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं। और देखिए पूरा एकदम पत्थर जैसा, जैसे लग रहा है कि पहाड़ जैसा है, वैसे पहाड़ वाड़ रहे हैं, लेकिन ये पत्थर का बना हुआ है सारा, नजर पत्थर का ही है। काफ़ी सुंदर जगह है, आप लोग एक बार जरूर आइएगा यहाँ पे कुतुब मीनार, और काफ़ी टाइम निकाल कर आइएगा, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा टाइम हो रहा है। 3 बजे हम लोग आए थे, 5 बज गया, लेकिन अभी भी हम लोग आधा ही घूमे हैं, अभी और आधा घूमना बाकी ही है। तो गाइस आप लोग टाइम निकाल के अच्छे से आइएगा और यहाँ खूब इंजॉय कीजिएगा कुतुब मीनार का, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और देखिए शाम हो गया है, तो लाइट भी कुछ जल गया है, लाइट भी देखिए यहाँ पे कुछ कुछ लाइट जला है, अभी ज़्यादा नहीं जला है, लेकिन कुछ कुछ लाइटें जला जल चुका है। और ये आप लोगों को तो मीनार है, और यहाँ लाइट दिखा दीजिए, देखिए गाइस लाइट जल गया है, अच्छा लग रहा है। शाम का टाइम हो गया है ना, तो सारा लाइट धीरे धीरे जल रहा है, जितने भी मीनार हैं ये मकबरा टाइप का है, उसके अंदर लाइट, अंदर नहीं नीचे ही लाइट जला है, जो ऊपर में लाइट जा रहा है ना, तो हमको लगा कि ऊपर लाइट जल रहा है, लेकिन नीचे ही लाइट जल रहा है। तो अरे उस पे आदमी है, वो देखिए, हाँ हम तो देखिए गाइस वहाँ पे कुतुब मीनार के पास 2 आदमी हैं लोग, ये देखिए, और मैं अभी देखी हूँ, 2 नहीं है, काफ़ी हैं। हाँ ये भगवान, अच्छा अंदर में घर जैसा बना हुआ है, देखिए वो दरवाज़ा भी खुला है हुआ उसमें,
हम सोचे सिर्फ मीनार ही है ये, अंदर में तो लग रहा है। और इधर प्लेन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमको लग रहा है एयरपोर्ट नज़दीक ही है, पास में ही होगा। चालू है, सबका शूटिंग चलता रहता है, जितने भी ब्लॉगर यूट्यूबर है सब यहाँ आते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। कोई स्टडी करता है, कोई रील्स बनाता है, कहीं ना कहीं ये जो है उस टाइम का बना हुआ आज लोगों का एक साधन भी है कुछ नया करने की, कुछ नया दिखाने की। तो ठीक है, अच्छा है, होना भी चाहिए। पहले के लोग कुछ करके गए हैं, जिसमें आपके यूट्यूबर, आपके जो भी सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं लोग, उनको वो उसका रिव्यू करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, पसंद भी आता है। और इस तरह की इमारत वाकई में अब देखने में तो मुझे अच्छा लगता है, आई नो आपको कैसा लगता होगा, बट जो भी है बेस्ट है। और अच्छी बात यह है कि ये इंडिया में है। अब ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है ईंटों की, इसीलिए ये हमारे धरोहर में शामिल है। इसको भी अजूबा में एक जो सेवन वंडर है इसमें से एक ही माना गया है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये मकबरा है किसी का, अब मुझे पता नहीं है, झूठ क्या ही बोलूँ, अब कुछ पता चलता है तो मैं आपको उससे शेयर करूँगा। तो ये देखिए यहाँ भी शूटिंग चालू है, और ये देखिए इसकी नक्काशी वगैरह देखिए, बहुत ही बिंदास लाजवाब है, खूबसूरत नक्काशी है। ये देखिए इस तरह से ये नक्काशी वगैरह देखिए आप, लेकिन है कुछ तो बात है, इतनी सफाई से इतने सारे पत्थरों में इतनी डिज़ाइनें डालना है अपने आप में एक कला का नमूना है। ये देखिए तो गैस हम इससे अब बाहर आ गए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो मकबरा है ना, ये इल्तुत मिस्र का है, जैसे कि मैंने बताया था, ये वही मकबरा है जिसका अभी मैंने आपको ये सारे क्लिप वगैरह दिखाया है। ये इल्तुत मिस्र का मकबरा है, जो रजिया सुल्तान के फादर थे, और भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक जो थी वो रजिया सुल्तान ही थी, जिन्होंने भारत पे राज भी करा है, लेडीज़ होके राज करा है। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु जो है वो डाकुओं के हाथ हुई थी, बट कहाँ तक सच्चाई है ये कोई नहीं जानता,
ये एक अपवाद नहीं है, लोग वैसा कहते हैं, बट कोई कहता है कि नहीं राजघराने में ही किसी ने उसका मर्डर कर दिया था, बट कितने लोग का मानना है कि नहीं उसका जो है डकैतों ने उसकी हत्या कर दी थी। क्या है यार ये सीक्वेंस में लगाने वाला है, कुतुब मीनार, अलाई लामा और फिर ये हो गया ये क्या है ये वाला, ये खंजर है, ये हो गया गाइस। हम लोग सारा वीडियो शूट कर चुके हैं, अब थोड़ा सा थक भी गए हैं, तो अब हिम्मत नहीं हो रही आगे इसको कंटिन्यू करने की। बाकी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना नीम का, ये है मदरसा किसका था, खिजली, हाँ अलाउद्दीन खिलजी का जो है ये मदरसा है। यहाँ वो अपने धर्म के बारे में बच्चों को या फिर किसी को पढ़ाया करते थे। और ये आप इसके सामने देख सकते हैं, ये है कुतुब मीनार जिसका नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट इसको जो है ऊपर के जो दो मीनारें हैं ना उसको इल्तुतमिश ने पूरा कराया था जो रजिया सुल्तान का पिता थे। और आपको ये दिखा दूँ, ये है जो ये आपको दिख रहा है, ये है इमाम का मकबरा, नहीं तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शायद मकबरा है। बाकी ये सारा व्यू है, एक मकबरा वो भी है। तो फाइनली गाइस नहीं तीन ही है, तीन ही है। हाँ बाकी आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ एक अशोक स्तंभ भी कहते हैं लोग, अशोक स्तंभ है जो लोहे का है, जो 1193 से लेके अभी तक वो लोहा वैसे का वैसा है, उसमें किसी भी तरह का कोई जंग नहीं लगा है। तो मैं उसको दिखाऊंगा, मैंने दिखाया भी है, आप उसको भी नोटिस कीजिएगा। तो बाकी और कुछ नहीं है, बस यही है फिर भी खूबसूरत है। 1193 में इस तरह की इमारत बनना और आज के जितने भी टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग भी ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी सटीक और इतना जो है एक सीक्वेंस में ये मकबरा तैयार हो जाए। कहीं ना कहीं पहले के लोग भी एक यूनिक ही अपने अंदर कलाकारी रखते थे जो कि आज शायद कहीं नहीं है। और इसमें और मैं बता दूं आपको कि ये कहा जाता है ना कि ईंट की विश्व की सबसे बड़ी इमारत है, ये जो इमारत आपके सामने है ना ये शायद 283 मीटर की है और ये विश्व की सबसे बड़ी है, सॉरी 283 फीट की है, बट ताजमहल जो है ना इससे 5 फीट ऊंचा ही है, 5 फीट इससे जो है ताजमहल की ऊंचाई ज़्यादा है, तो ये चीज़ भी आप नोटिस कीजिएगा। तो ठीक है गाइज, अभी फ़िलहाल तो इतना ही, बाकी कुछ देखते हैं अगर और होगा तो आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं होगा तो फिर
नहीं दिखाऊंगा, तो आप बने रहिए, देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैडम जी से लीजिए इजाज़त। गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है, तो फिर चलिए। आज हम लोग दो वीडियो शूट किए हैं, तो आप लोग को अलग अलग पार्ट में जाएगा, एक छतरपुर मंदिर और दूसरा कुतुब मीनार। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस हम लोग फाइनली घर आ गए हैं अभी तुरंत, और देखिए टाइम हो रहा है 7:30 बज गया है, और आने में बहुत ठंड भी लग रहा था बहुत ज़्यादा बाइक पे, तो आ गए हैं। आप कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे, तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।